हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे BA4 सेमेस्टर यानी कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के पेपर एनालिसिस के बारे में, जो कि मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। ठीक है, टोटल जो क्वेश्चन है वो 50 यानी कि 50 क्वेश्चन है। वन बाय वन करके सबको डिस्कस करते हैं और आप अपना जो क्वेश्चन है वो चेक कर लेना कि आपके 50 में से यानी कि 50 में से आपके कितने सही हैं और कितने आपके गलत हैं, नीचे कमेंट करके बताना। ठीक है, तो चलिए फटाफट से अब वीडियो को लाइक कर देना। देखो, पहले वीडियो कम्प्लीटली देख लो, उसके बाद अपना लाइक कर देना, शेयर कर देना। जिन भी बच्चों को आप शेयर करना चाहते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में एनालिसिस की ये वीडियो, तो उनको डेफिनेटली शेयर कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया तो आने वाले जो अपडेट हैं उनके लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए कि किसने कहा है कि मानव चेतना स्वतंत्रता की आधारभूत मानती है, मतलब स्वतंत्रता को आधारभूत मानती है, स्वतंत्रता अधिकारों को जन्म देती है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो यहां पर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, यानी कि ग्रीन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक में मार्क्स ने राज्य को बुजुर्गवा वर्ग की कार्यकारिणी समिति कहा है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, यानी कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अगला क्वेश्चन देखिए, थॉमस हॉब्स ने निम्नलिखित में से किस एक को औचित्यपूर्ण सिद्ध करने के लिए सामाजिक संविदा सिद्धांत यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को प्रतिपादित किया है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, यानी कि न्यायपालिका की सर्वोच्चता, यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्वतंत्रता की अवधारणा की विवेचना में J.S. मिल ने मनुष्य के कर्मों को दो संवर्गों में विभाजित किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, स्वसंबंधी कार्य और परसंबंधी कार्य। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते और अपने इस विश्व के राजाओं तथा राजकुमारों में दर्शन की भावना तथा शक्ति नहीं आ जाती, तब तक नगर राज्यों की को उनकी बुराइयों से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, प्लेटो। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा कि राज्य व्यक्तियों की रचना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक विधि का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, विवेक की एक सन्मति। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक राजनीतिक विज्ञान की रचना नहीं अपितु शिक्षा पर अब तक लिखे गए ग्रंथों में से सबसे सुंदर प्रबंध है? तो ये किसने कहा है? तो ऑप्शन इसका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, रूसो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कि प्रभु सत्ता नागरिकों तथा प्रजाजनों पर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके ऊपर विधियों का कोई नियंत्रण नहीं रहता है, ये किसने कहा है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, बोंदा यानी कि बोडिन। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक अवस्था शांति सुरक्षा पारस्परिक सहायता तथा सद्भाव की अवस्था थी, उसकी एकमात्र दुर्बलता यह थी कि उसमें अधिकारों को लागू करने वाले दंडाधिकारियों का अभाव था। प्राकृतिक अवस्था का इस प्रकार का चित्र प्रस्तुत किया है, तो इसमें से कौन सा ऐसा थिंकर है जिसने ये सब स्टेटमेंट दिया है? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, हॉब्स। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वयं के ऊपर अपने शरीर तथा मस्तिष्क के ऊपर व्यक्ति प्रभुत्व सत्ता संपन्न है, किसने कहा है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, मिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसने दो प्रकार की असमानता की पहचान की प्राकृतिक असमानता और पारस्परिक असमानता यानी कि दो टाइप की अनइक्वालिटी को डिस्क्राइब किया है? तो वो कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, रूसो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य को दो संप्रभु स्वामियों सुख और दुख के अधीन रखा है, ये किसका कथन है? तो ऑप्शन इसका यहाँ पर डी सही हो जाएगा, बेंथम। ठीक है, सुख और दुख यानी कि यूटिलिटेरियनिज्म एक अवधारणा है, उसमें इन्होंने इस तरह की जो बात है वो एक्सप्लेन की है। अगला क्वेश्चन देखिए कि J.S. मिल की रचना थी, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा कि कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि संप्रभु का आदेश ही विधि है, किसने कहा? ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि अब तक के वर्तमान समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, मार्क्स। अगला क्वेश्चन देखिए कि अधिकार जीवन की वे दशाएं हैं जिनकी प्राप्ति के बिना कोई मनुष्य अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, लॉस्की। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने व्यक्ति की वास्तविक इच्छा तथा यथार्थ इच्छा में अंतर किया है? तो ऑप्शन इसका यहाँ पर हो जाएगा ए, रूसो, यानी कि जो विल के बारे में बताया है, एक एक्चुअल विल है, एक रियल विल है, तो उसके बारे में रूसो ने ही एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यूनानी विचार को द्वारा न्याय के किस पहलू पर बल दिया गया है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, नैतिक। अगला क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जबकि यह आर्थिक समानता के साथ ना हो, ये कथन किसका है? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, लॉस्की। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द ह्यूसन कंडीशंस किसकी रचना है? तो ऑप्शन इसका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, हन्ना अरेंट।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हन्ना अरेंट की नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, द इमाइल। अगला क्वेश्चन देखिए, रिफ्लेक्शन ऑन द रिवोल्यूशन इन फ्रांस किसकी रचना है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, एडमंड बर्क। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक संगठन है, तो ये किसका स्टेटमेंट है? काफी फेमस स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। अगला क्वेश्चन देखिए, टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, लॉक। अगला क्वेश्चन देखिए, हन्ना अरेंट ने अपनी किस पुस्तक में गणतंत्र शासन प्रणाली का समर्थन किया है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि मैरी वॉन्स्टो क्राफ्ट द्वारा लिखी द विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन पुस्तक किस वर्ष लिखी गई? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, 1792। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं और मेरा भाई दोनों जुड़वा भाई हैं, तो ये किसका है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, हॉब्स। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैकियावेली को प्रिंस की वह प्रथम महान रचना है जिसमें मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की परंपरा से नाता तोड़ दिया है, टिप्पणी किसने की है? ये क्रिटिसाइज एक कोट लिखा है, किसका है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, डनिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट के अनुसार महिलाओं की शिक्षा किस पर आधारित होनी चाहिए? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, तार्किक और अमूर्त तर्क, यानी कि लॉजिकली लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सर्वप्रथम संप्रभुता का विधिवत विश्लेषण किस विचारक ने किया? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, बोंदा। अगला क्वेश्चन देखिए कि द फिलोसफी ऑफ स्प्रिट के लेखक कौन है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, हीगल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखिए कि राजनीति का नैतिकता से पृथक्करण करने वाला विचारक है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, मैकियावेली। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विचारक ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का पदार्पण बताया है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, हीगल। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा में शेर का साहस और लोमड़ी की चालाकी दोनों ही होनी चाहिए, ये विचार किसका है, स्टेटमेंट किसका है? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, मैकियावेली। अगला क्वेश्चन देखिए, अरस्तु की शिक्षण संस्था का नाम क्या था? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, लीसियम। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि अरस्तु निम्नलिखित में से किसकी नागरिकता प्रदान नहीं करता? तो यहाँ पर सारे ही जो तीन के तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, सारे तीन ऑप्शन इसे रिलेट करते हैं, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। शक्तिशाली का हित साधन है, साधन ही न्याय है, कथन किसका है? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, थ्रेसीमेकस। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक्सपीरियंस एंड इट्स मोड्स, थोड़ा सा ये ब्लर हो चुका है, हाँ चलिए कोई बात नहीं। एक्सपीरियंस एंड इट्स मोड्स किसकी कृति है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, माइकल ऑक्सफोर्ड। द रिपब्लिक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? ये है डी रिपब्लिका। ठीक है, यानी कि रिपब्लिक तो प्लेटो की है ही, वो तो हम सभी जानते हैं, लेकिन डी रिपब्लिका किसने लिखी है? तो ये है सिसरो की, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सुम्मा थियोलॉजी का ग्रंथ है, उनके लेखक कौन है? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, संत थॉमस एक्विनस। किसने महिलाओं को द सेकेंड सेक्स के रूप में परिभाषित किया है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, सिमोन द बोवार। अगला क्वेश्चन देखिए, रोल्स के सुव्यवस्थित समाज का हिस्सा क्या नहीं है? तो 43 का ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, स्थिर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संत थॉमस एक्विनस के राजनीतिक विचारक विचार प्रभावित हैं? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, यानी कि अरस्तु और ईसाई धर्म से, दोनों से ही प्रभावित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक राजनीतिक सिद्धांतकार के रूप में रोजा लक्जमबर्ग ने मानवतावादी सिद्धांत विकसित किया? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, मार्क्सवाद का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विचारक को एडमंड बर्क की परंपरा का रूढ़िवादी दार्शनिक माना जाता है? तो 46 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन देखिए, पुनर्जागरण का शिशु किस विचारक को कहा जाता है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, मैकियावेली। अगला क्वेश्चन देखिए, चर्च राज्य विवाह संबंधित है, तो चर्च की सर्वोच्चता और राज्य की सर्वोच्चता दोनों से, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो नगरों का सिद्धांत किस विचारक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, संत ऑगस्टाइन। अगला क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखिए कि स्त्री पैदा नहीं होती है बल्कि इसको बनाया जाता है, तो ये किसका है? तो ऑप्शन इसका डी सही होगा, सिमोन द बोवार। तो ये टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आई होप आपने इसमें से अपना जो राइट क्वेश्चन है या रॉन्ग क्वेश्चन है वो निकाल लिए होंगे, और जितने भी आपके सही हैं गलत है वो नीचे कॉमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी किसी भी क्वेश्चंस को अगर आप मतलब डाउट है किसी भी क्वेश्चन में और तो डिस्कस करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर मतलब जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड चैट ऑन पॉलिटिकल साइंस एक हमारा अलग से जहां पर हम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वहां पर आप अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं डेफिनेटली।
आपको आंसर वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, या सोनम चौहान पॉलिटी के नाम से जैसे ही टेलीग्राम पर आप सर्च करोगे हमारा चैनल आ जाएगा। 5000 प्लस उसमें सब्सक्राइबर है, तो आपको वही ऑफिशियल चैनल है, उसके नाम से कोई अलग चैनल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।